अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि यार हमने लोन ले लिया है, उसके बाद जो है ना हमारा क्रेडिट डेली बाय डेली बढ़ता जा रहा है और हमारा जो सूद है जिसे कहते हैं आसान उर्दू में वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने 1500 रुपये लिया था उनका अभी जो है ना 8000 रुपये हो गया, जिन लोगों ने 20000 लिया था उनका 40000 और जिन लोगों ने 30000 लिया था उनके लगभग 70 के करीब हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार हमने लोन पे भी कर दिया है उसके बावजूद भी जो है हमारा लोन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों आज कुछ ऐसे सवाल और ऐसे जवाब दूंगा कि हो सकता है आपको कुछ सवालों के जवाब जो है ठीक ना लगे, मगर मैं उनसे उससे पहले आपसे मैं माजरत करता हूँ कि यार थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले गलती है जो यूट्यूबर है उनकी, यूट्यूबर जो वीडियो बना के डेली अपलोड करते हैं कि यार इनसे लोन ले, इनसे लोन लो, इनसे लोन लो, पहले तो उन यूट्यूबर जो वो यूट्यूबर हैं पहले तो गुनाह उनके ऊपर है जो ये सूद वाली चीज़ों को प्रमोट करना। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर यूट्यूबर से कि सूद वाली चीज़ को प्रमोट ना किया करें 2 रुपये 4 रुपये की खातिर, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। उसके बाद सूद लेने वाला भी गुनाहगार है, सूद देने वाला भी गुनाहगार है, वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है। अगर आप सूद लेते हैं तो भी गुनाहगार है, सूद देते हैं तो भी गुनाहगार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर ये एप्लीकेशन वाले गुनाहगार हैं तो उनके साथ साथ हम भी गुनाहगार हैं, क्योंकि हमने भी उनसे सूद लेते हैं, सूद जमा करवाते हैं, तो ज़ाहरी बात है हम पे भी उतना ही गुनाह होगा। क्योंकि आपको पता है सूद एक बहुत बड़ी लानत है और जिसकी सूद के खिलाफ जंग ऐलान है, तो ज़ाहरी बात है इनसे दूर रहना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि ये नहीं कि इन एप्लीकेशन को हमें प्रमोट या इन एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए, क्योंकि इन एप्लीकेशन से अगर हम लोन लेंगे तो ज़ाहरी बात है हम भी उन गुनाहगारों में शामिल हो जाएंगे जो कि सूद का काम करते हैं। तो ज़ाहरी बात है ये जो सूद और ये जो कमीशन और ये ब्याजखोर जो एप्लीकेशन होती हैं या लोग होते हैं वो आठ आने का हिसाब करते हैं, क्योंकि इनसे आठ आनी जो है ना माफ़ नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि ये होते ही पैसों के पुजारी हैं। ये गरीब का नहीं सोचते, ये किसी चीज़ का नहीं सोचते, ये किसी मजबूर का नहीं सोचते, चाहे वो घर बेचे चाहे खुद को बेचे, मगर उनको पेमेंट देनी चाहिए, ये सूदखोरों का कहना होता है। तो दोस्तों इन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो ये आपका बढ़ाते जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि या तो फिर आप इनको इग्नोर कर दें, आपने कसम खा लेनी है भाई हमने जमा नहीं करवाना, तो एक अलग बात है, फिर आपका यानी कि ये कानूनी कार्रवाई तो आप पे कर नहीं सकते। बाकी ये है कि आपको फ़ोन के ज़रिए धमका सकते हैं, रिश्तेदारों को कॉल्स कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। नहीं तो फिर आपको अगर इनसे जान छुड़ानी है तो एक दफ़ा आपने लोन जमा करवाना है, उसके बाद आपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, दोबारा मैं ऐसे सूद खोर ना लेन ना देन में ना कभी मुलवस होऊंगा, ना कभी इन चीज़ों को प्रमोट करूँगा। तो दोस्तों ये भी एक हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब ही है, और क्या है। अगर हम सूद को सूद नहीं समझते, गुनाह को गुनाह नहीं समझते, तो ज़ाहिर बात है हम घुस जाते हैं, तो हमारे ईमान कमज़ोर है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इन्हें लोन एप्लीकेशन से परहेज़ करें, सूद के काम से परहेज़ करें, अल्लाह आपको और हमें हिदायत दे इन कामों से रोकने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, उसके रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।